Abhyas, the Home Learning. नमस्ते बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं हूं आपकी टीचर चित्राक्षी। बच्चों, आज मैं आपसे एक पहेली पूछूंगी, आपको उसका आंसर देना होगा। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते, बताओ कौन? तो आया समझ में आपको मैं किनकी बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ हमारे शिक्षकों की। बच्चों, आज शिक्षक दिवस है, यानी कि टीचर्स डे। क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? अरे हाँ, मैं भी तो टीचर हूँ, आज तो मेरा खास दिन है। तो क्या आज मैं आपको पढ़ाऊँ या नहीं? ना, टीचर तो ऐसा कभी नहीं बोलते, वो तो रोज हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, ताकि हम पढ़ लिख कर दुनिया में बहुत नाम कमाएं। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कि आज का दिन यानी कि टीचर्स डे को सेलिब्रेट करना कब स्टार्ट किया गया था। हमारे भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर उनके स्टूडेंट्स ने उनको रिक्वेस्ट किया कि वे अपना जन्मदिन यानी कि बर्थडे मनाएं, क्योंकि वे एक बहुत फेमस शिक्षक थे और उनका मानना था कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री। इसलिए उन्होंने सबसे कहा कि क्यों ना मेरा जन्मदिन आज से शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं? यही मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी। तब से भारत में उनका जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर हाँ बच्चों, आप सबको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। बच्चों, टीचर्स डे वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज में मनाया जाता है, जैसे यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, सिंगापुर, स्पेन, इजराइल एक्सेट्रा। आज के दिन को स्पेशल बनाने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस में प्रोग्राम किए जाते हैं, और कुछ स्कूल्स में तो कुछ सीनियर स्टूडेंट्स अपने जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, है ना बहुत फन। एक टीचर का जॉब नेवर एंडिंग है। हमारे टीचर्स हमको समय समय पर अच्छा जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं, हमें उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहिए। तो चलो बच्चों, मेरे साथ मिलकर अपने टीचर्स के लिए प्रार्थना करो कि वो लाइफ लॉन्ग हेल्थ एंड हार्टी रहे। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल आवर टीचर्स। बच्चों, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।